रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की जो वार्ता हो रही थी वो खत्म हो गई उनके आवास पर। अब 1 बजे सेक्रेटेरिएट में इनको फिर से बुलाया गया है। इसके अलावा जीबीएम होगी। आशुतोष जीमिरिया संवाददाता जयपुर से लगातार बने हुए। आशुतोष, क्या कुछ अभी हमने सुना जो डॉक्टर्स की तरफ से रिएक्शन दिए जा रहे थे, आपके पास और क्या कुछ जानकारियां? देखिए, रेजिडेंट्स यहाँ सरकार के साथ में वार्ता के बाद में यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ वार्ता चली है और सरकार की तरफ से जो अभी पहली जानकारी जो बाहर आई है वो ये है कि सकारात्मक दौर में ये पूरी वार्ता चली हुई है। बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई है। अब एक बजे फिर से सचिवालय में बुलाया गया, जहाँ पे चिकित्सा शिक्षा सचिव जो वैभव गालारिया हैं उनके साथ में जो रेजिडेंट्स हैं उनकी वार्ता होगी। इसको दूसरे दौर की वार्ता के तौर पर देखा जाए, क्योंकि पहले दौर की जो वार्ता थी वो सरकार के साथ में हो चुकी है और सकारात्मक ही वार्ता रही है। रेजिडेंट्स अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, आपस में एक जीबीएम करेंगे और अभी कार्य बहिष्कार का जो अभी रुख चल रहा है उसको लेकर अभी साफ नहीं की गई है। अभी कार्य बहिष्कार लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जारी है। अपने साथियों के साथ में चर्चा करेंगे। पूरे प्रदेश के जो रेजिडेंट के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। रेजिडेंट के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं। आपस में अब ये लोग जाके चर्चा करेंगे और 1 बजे जो बैठक रखी गई है क्या उसके पहले ये कार्य बहिष्कार को खत्म करने का ऐलान करते हैं नहीं करते, ये जीबीएम के बाद में ही साफ हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 1 बजे फिर से सचिवालय में बुलाया गया, यानी कि जो वार्ता है वो सकारात्मक रूप लेते हुए आगे बढ़ रही है, इस बात के संकेत हैं जो आ रहे हैं। मरीजों के लिए राहत भरी खबर ये हो सकती है कि जीबीएम के बाद में जो रेजिडेंट हैं वो ये फैसला ले सकते हैं कि जब ये मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री खुद ही बाहर आ गए। अरे बाहर आने दो। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी देखिए जाहिर तौर पर मीडिया चूंकि वहां पर मौजूद है तो रिएक्शन देने के लिए इस मीटिंग से जुड़ा हुआ क्या कुछ उनका रुख है या सरकार का पक्ष है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। मेरा चेहरा ही नहीं दिखता है फिर मैं बोल रहा हूँ। सकारात्मक रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट एक परिवार के रूप में काम करता है और हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो पहला एजेंडा है कि चिकित्सा राजस्थान में समुचित व्यवस्था हो चिकित्सा की, और यह उनकी प्रायोरिटी का सेक्टर है चिकित्सा। कल भी उन्होंने करीब 3.5 घंटे तक मैराथन मीटिंग की थी कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और हर चीज में उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। तो कुल मिला के राजस्थान में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, चाहे निशुल्क दवा योजना के क्षेत्र में हो, निशुल्क जांच योजना के क्षेत्र में हो, हम 115 मेडिकल कॉलेज नए लेके आए हैं, पीजी की सीटें बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ रही है, एक नई क्रांति चिकित्सा के क्षेत्र में, और राइट टू हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आने वाले बजट सत्र में राइट टू हेल्थ एक अधिकार के युग की शुरुआत चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान देने वाला है, पहला स्टेट बनेगा। इस वातावरण में कोई भी तबका दुखी नहीं रहे, उनकी कोई समस्याएं हैं उनका समाधान हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी हमारे परिवार के मेंबर है। अननेसेसरी किसी तरह का इश्यू नहीं बना के, ठीक है, जो जायज समस्याएं हैं उन पे हमने बात की है, सकारात्मक बात हुई है। अभी जो भी बातचीत हुई है, जो सहमति बनी है, वो गए हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही है वहां, वो उनको बताएंगे और वापस आएंगे 1 बजे के करीब। वो मेडिकल एजुकेशन के हमारे सेक्रेटरी हैं वैभव गालारिया जी, उनसे मिलेंगे और अगर मान लो इस पे सहमति बनती है तो सहमति का पत्र वो साइन करके दे देंगे। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उनकी जो बातें हैं, जो जायज बातें हैं, उन पे हमने सबने बात भी की है और सकारात्मक नतीजे पे भी पहुंचे। कुछ मंत्री जी, आपने कुछ मंत्री दिया हो, ऐसा नहीं लगता कि पहली वर्षगांठ का मौका है और ऐसे में कहीं विपक्ष को ऐसा जो है मुद्दा न मिले कि जनता? इसमें पक्ष विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। इनके जो इश्यूज हैं कोई आज के नहीं है,